हेलो अवीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस सो माई नेम इज़ देपाली कक्कड़ एंड आई एम हेर विद यू टू रिवाइज आई गेट अनादर से हरियाणा जी के राइट तो अभ्यास टू पॉइंट ओ वो एक न्यू सीरीज़ है एक न्यू एफर्ट है जो अभिमन्यू आई एस ने लिया है फॉर द एच सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम बिकॉज़ अभिमन्यु जो है वो डेडिकेटेड है कि हम जो एग्जाम्स हैं उनके लिए क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे राइट right? तो उसी की पहल में हम आपके लिए जो है रेगुलर सेशंस लेकर आ रहे हैं प्रॉपर रिविजन के लिए एंड आज जो हमारा सेशन रहेगा ये सेशन है हरियाणा जीके का सेशन नंबर थ्री राइट ऑलरेडी हमारे दो सेशन इसके ऊपर हो चुके हैं एंड आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो आज हम जो सेशन देखेंगे ठीक है इसमें हम हरियाणा की रिवर्स को देखेंगे एंड इफ़ यू वांट टू टारगेट दिस हरियाणा एच 2023 इन अ वेरी वेल प्लान मैनर तो आपको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक बहुत ही अच्छा जो है उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे आप जो है इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इन द लिमिटेड टाइम एज वेल ठीक है जी सो so सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपना सेशन शुरू करते हैं तो आज के सेशन में हम जो है हरियाणा के रिवर्स की बात करेंगे ठीक है एंड ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है आज के इस हमारे जो है सेशन के अंदर इसके थ्रू हम जो है हरियाणा की रिवर्स को समझेंगे ठीक है तो अगर मैं सिंपली बात करूं हरियाणा रिवर्स वाला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अगर हम यूपीएससी का एग्जाम कोई भी सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज को अगर हम टारगेट हैं तो रिवर्स जो है ना ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो काफी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे और इसमें से हमें क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड रहते हैं कि एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे राइट तो इन क्वेश्चंस को हमें आसानी से हैंडल करने में जो है तभी हम हैंडल कर पाएंगे जब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे राइट तो वही आज हम रिवीजन करेंगे हरियाणा के रिवर्स के बारे में ठीक है तो हरियाणा रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो है स्टडी किया जाता है ठीक है तो एक तो वो रिवर्स हैं जो जिनका ओरिजिन क्या है शिवालिक जो हिल्स हैं वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है ठीक है और दूसरी रीजन वो वो रिवर्स हैं जो अरावली रीजन से जो है जिनका ओरिजिन हम देखते हैं ठीक है या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रिवर्स जिनका नॉर्थ ओरिजिन है ठीक है एंड वो रिवर्स जिनका सदर्न टाइप जो सदर्न साइड से ऑफ द हरियाणा जो है ओरिजिन है क्लियर है तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं दो रिवर्स की हरियाणा की बात करूं वो है यमुना एंड घंग ठीक है क्योंकि यमुना से क्या बनते हैं हमारे सबसे बड़े जो है प्लेन्स बनते हैं हरियाणा तो की बात करें बेसिन मतलब है जहां तक वो जो है वो फ्लो करती है तो देख सकते हैं ये जो इतना सारा इतना रीजन आ जाता है ये सारा हमारा घग्गर का ड्रेनेज बेसिन है ठीक है जहां पे घग्गर अलॉन्ग इट्स ट्रिब्यूटरी जो है वो अपना जो है फ्लो करती है इन हरियाणा राइट एंड यहाँ तक आप देख सकते हैं ये यमुना थे? तो काफी बड़े ड्रेनेज बेसिन जो है ये बोथ रिवर्सबल आती हैं यमुना जो है ठीक है यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन द इंडिया ठीक है ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है जो आपको यमुना को लेकर याद रखना है कि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडिया में किसी भी जो है नदी की ठीक है एंड किसकी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है क्लियर तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले हम जो है यमुना रिवर के बारे में ही देखेंगे ठीक है क्योंकि ये और एक और क्वेश्चन जो सबसे लंबी रिवर है ऑफ द हरियाणा वो कौन सी है यमुना ही है ठीक है कितनी 328 किलोमीटर राइट right? तो टोटल 328 किलोमीटर जो यमुना है ये हरियाणा में फ्लो करती है ठीक है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैप के थ्रू भी देखेंगे तो चलिए तो यमुना जो है ये इंडिया की सबसे सिग्निफिकेंट है ठीक है यमुना के ओरिजिन की बात करें ठीक है तो कहाँ से ओरिजिन होता है बंदर पूछ ठीक है जो जहाँ पे क्या है यमुनोत्री ग्लेशियर है ठीक है इन द उत्तराखंड राइट सो ये जी तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर में से जो है यमुना का ओरिजिन होता है ठीक है उसके बाद जब ये ओरिजिन होता है उसके बाद आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राइट ये जो यमुना है ये एंटर करती है हरियाणा में कहाँ से यमुनानगर के कालेसर रीजन के पास राइट तो आफ्टर ट्रेवलिंग हेयर फ्रॉम द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राइट यहाँ से जो है ये यमुना जो है एंटर करती है ठीक है यहाँ पे क्या है हमारा यमुना नगर ठीक है यमुना नगर का कालेसर जो था हमारा क्या था सबसे ईस्टर्न पॉइंट ऑफ हरियाणा एज वेल ठीक है वहीं से जो है ये ट्रेवल करती हुई उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश से ट्रैवल करती हुई देन ये हमारे एंटर करती है यमुनानगर में है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यमुना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है वो एंटर करती है ठीक तो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यमुना जो है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और कौन में से एग्जिट करती है राइट क्लियर सो हमने देखा कि कहाँ से एंटर कर रही है यमुनानगर के कालेसर रीजन से ठीक है यमुनानगर के कालेसर रीजन से ये जो है एंटर कर रही है उसके बाद ठीक है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुरुक्षेत्र में यमुना जो है वो फ्लो नहीं होती है ठीक है आपको लिखा हुआ डाटा मिल जाएगा उसके बाद करनाल सोनीपत राइट बट कुरुक्षेत्र में जो है ये फ्लो नहीं होती है एंड एग्जिट से करती है 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 ठीक ठीक सो पलवल पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो हसनपुर है वहां से ये जो है एग्जिट करती है एंड देन यूपी के अलीगढ़ में से जो है यमुना वो यूपी उत्तर प्रदेश में वो एंटर mm -hmm. हो जाती है राइट right? सो so, जो यमुना का कोर्स है सिंपली क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि यमुना जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी है हरियाणा की यमुना कितना कोर्स है 328 किलोमीटर ठीक है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में से अगर ये हम बात करें यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से जो है ये गुजरती है एंड फाइनली जो है पलवल से जो ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है क्लियर हो गया एंड अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो है हरियाणा की कौन सी है अगेन यमुना ठीक है यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है ठीक है जैसे कि बूढ़ी सोंग हो गई ठीक है पथराला हो गई ठीक है उसके अलावा सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना कौन सी है ठीक है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इज चंबल जो कि मध्य प्रदेश में मिलती है ठीक है तो इन सब जो रीजन है इनमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट उसके साथ साथ एक और पॉइंट हमें देखना था कि जहां पे ठीक है यमुना जब एंटर करती है राइट यहां पे क्या है यमुना नगर में डाइवर्ट हो जाती है ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न ठीक है सो जो हमारी वेस्टर्न कैनाल है वो हमें हमारे जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो है वाटर सप्लाई करता है फॉर इरिगेशन एंड अदर नीड्स एंड जो ईस्टर्न कैनाल है वो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में जो है वहां से वाटर सप्लाई किया जाता है क्लियर हो गया जी नेक्स्ट हम देखेंगे घग्गर रिवर के बारे में राइट right? साथ साथ हम मैप भी देखते हुए चलेंगे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, घग्गर रिवर की अगर हम बात करेंगे राइट तो घग्गर रिवर का जो सोर्स है दैट इज द शिवालिक हिल्स इन द हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक हिल्स में से जो घग्गर है क्लियरली ओरिजिन रेट होती है एंड घग्घर के ओरिजिनल के बाद ठीक है अगर हम बात करें तो इसके कोर्स में ठीक है एक ओरिजिन जैसे कि मैंने बोला एंट्री एंड एग्जिट बोथ बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है बट घग्घर का एक ये भी फीचर है कि घग्घर जो है ठीक है एक तो क्या है ये लुप्त हो जाती है कहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान पे ठीक है लुप्त हो जाती है क्योंकि अगर हम बात करें यमुना की ठीक है तो हरियाणा की पेरिनियल जो सदाबहार जो हम बोलते हैं कि जो बारामासी रिवर है वो सिर्फ एक ही रिवर है यमुना ठीक है बाकी क्या है कोई भी ऐसी बारामासी रिवर जो है हमें हरियाणा में देखने को नहीं मिलती है यमुना क्यों बारामासी है क्योंकि उसका सोर्स जो है वो एक ग्लेशियर है ठीक है ग्लेशियर मेल्ट होते रहेंगे तो वहां से जो है वो रिवर चलती रहती है बट बाकी सारी जो हमारी रिवर्स हैं हरियाणा की ये सीजनल रिवर्स हैं सीजनल है तो जब हमें बारिश होती है तब जो है सीजनल रिवर ये फेड होती है बारिश से फेड होती है और इस सीजन में हमने देखा था कि घग्घर जो है इसमें फ्लड भी आया था राइट क्योंकि जो मानसून पैटर्न था वो कहीं ना कहीं काफी डिस्टर्ब था दो चार दिन में ही काफी हैवी रेनफॉल जो है देखी गई ठीक है तो इस तरह ये बाकी सारी जो हमारी हरियाणा की रिवर्स हम डिस्कस करेंगे ये सारी जो है ये सीजनल है ठीक है अब हम घग्घर की बात कर रहे थे तो घग्गर जो है अंबाला पंचकुला फतेहाबाद एंड सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है ठीक है इनमें से जो है ये पास करती है एंड इसको घग्गर और हाकरा रिवर भी जो है बोला जाता है कहीं कहीं ठीक है कहीं क्या बोलते हैं कि हरियाणा में इसको घग्गरी बोलते हैं और जब ये राजस्थान में फ्लो करती है तब उसको हाकरा नाम दे दिया जाता है ठीक है तो घग्गर हाकरा जो है वो सेम ही रिवर का जो है नाम देखने को हमें मिलता है क्लियर है अब हमने बात की थी तेजावाल बैरिज जो हमें देखने को मिलता है यमुनानगर में यमुना से जुड़ा ऐसा ही एक ओटू बैरिज है ठीक है जो कि हमें कहा मिलता है जो हमें मिलता है सिरसा में ठीक है तो ओटू बैरिजो जो है वो कहां पे है है हमारा तो ये ओटू जी सिरसा में ऑन द घग्गर रिवर क्लियर तो ये जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट दो रिवर हो जाती है घग्गर रिवर का भी हम साथ साथ कोर्स देख लेते हैं एंड जैसे हमने बात की थी कि यमुना जो है राइट यमुना नगर करनाल पानीपत सोनीपत दिल्ली ठीक है पर, फरीदाबाद पलवल से गई क्लियर तो अभी हम अगर बात करेंगे कि घग्गर रिवर तो पंचकुला के पिंजौर से जो है ये एंटर करती है फिर अम्बाला से आती है कुरुक्षेत्र में नहीं आती है फिर पंजाब में जाती है पंजाब के पटियाला जो डिस्ट्रिक्ट है फिर कैथल में आती है फिर जो है यहाँ संगरूर फिर फतेहाबाद उसके बाद ये सिरसा से होते हुए जो है राजस्थान में चली जाती है ठीक है अब क्या है गग्गर जो है ठीक है इसको हमने याद रखना है कि ये पंजाब से फ्लो करती है क्योंकि गग्गर के साथ हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो एशियंट रिवर है आके जो है पंजाब में मर्ज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सरस्वती रिवर ठीक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमें कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कौन सी रिवर कहां पे आके किसको मिल रही है 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 ये बड़े ध्यान से हुए चलना ठीक तो राजस्थान में फिर जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है 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 ये एक्सटिंक्ट हो जाती ठीक तो क्लियर हो गया हमें अपनी घग्घर रिवर का भी कोर्स ठीक है जी तो जी ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे क्या है पंचकुला पंचकुला के पिंजौर से ठीक है उसके ये जो है एक्यूरेट कोर्स जो है आपको इसमें

जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट राइट जो घग्गर रिवर है वो फ्लो करती है एंड अगर मैंने ऑप्शन भी दे दिया कुरुक्षेत्र तो यू शुड नो कि कुरुक्षेत्र का किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं होगा क्योंकि कुरुक्षेत्र से ना तो घग्गर फ्लो करती है और ना ही हमारी यमुना फ्लो करती है क्लियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है हमें याद रखना है ठीक है क्योंकि तो कुरुक्षेत्र से हमारी एक और इंपॉर्टेंट जो है रिवर फ्लो करेगी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे ठीक so, है हमने घग्गर को भी पढ़ लिया है और उसके साथ साथ हमने जो है यमुना को भी पढ़ लिया है एंड ओटू बैरिज जो है यहाँ हमें सिरसा में देखने को मिलता है जो कि घग्गर रिवर के ऊपर है घग्गर क्या है हमारी एक नॉन पेरे रिवर है नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रिवर के ऊपर यमुना हो गई हमारी घग्घर हो गई और हाँ जी घग्घर रिवर के अगर हम आ, जो है लेंथ की बात करें हरियाणा में कितना डिस्टेंस करती है तो टू नाइन टू किलोमीटर जो है है ये 300 ही करती है, बट हरियाणा जो हमारी सबसे लंबी है वो कौन सी है वो है हमारी यमुना जो कि थ्री ट्वेंटी एट किलोमीटर करती है ठीक है इन दोनों के किलोमीटर जो है ये याद रखने हैं लॉन्गेस्ट के टर्म्स में भी याद रखना है स्टेटमेंट वाइज में भी इसको पूछा जा सकता है क्लियर हो गया जी नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपनी रिवर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज द सरस्वती सरस्वती रिवर so, रिवर रिवर ठीक है है जो जो अब ये इसको हम एक मानते हैं हैं इसमें भी हमने इसका मेंशन देखा है क्लियर सरस्वती so, रिवर कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है एंड ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ठीक है अकॉर्डिंग टू माइकल विटजल ठीक है उन्होंने बोला था कि वैदिक सरस्वती रिवर इज हेवनली रिवर मिल्की वे विच इज सीन एज अ रोड टू द दिटी एंड द हेवनली आफ्टर लाइफ ठीक है तो इतनी पवित्र इस नदी को माना गया है कि जो है जो ज्योग्रफर्स जो जो हैं जो हम बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि इट इज अ रोड टू इमोटैलिटी एंड हेवनली आफ्टर लाइफ क्लियर तो सरस्वती की अगर बात करें तो सरस्वती को कहीं ना कहीं दृष्टवती भी बोला जाता है दृष्ट मतलब देव दृष्ट मतलब तो दृष्ट द्वती मतलब निर्मित ठीक है तो दृष्टवती भी नेम दिया जाता है ऐसे ही अगर हम यमुना की एंशियंट नेम की बात करें तो यमी जो कि जो है यमी नाम से भी उसको जाना जाता है क्लियर तो हम बात कर रहे थे सरस्वती रिवर की एक और चीज़ इसमें जो मेंशन करूंगी ठीक है कि जो नाड़ी स्तुति हिम है ऑफ द ऋग्वेद ठीक है तो जो क्योंकि सरस्वती है ठीक है इसको बाद में जो है ढूंढा गया है क्योंकि हमें इसका मेंशन मिलता है वेद आदमी ठीक है तो इसको एक इंपॉर्टेंट एशियट रिवर है हरियाणा की हमारी रिवर है एंड सबसे प्योर रिवर मानी जाती है कहीं कहीं इसको जो है गंगा से भी प्योर रिवर जो है वो माना गया है ठीक है तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है कहाँ से हमने इसको ट्रेस बैक करना शुरू किया कि सरस्वती एग्जिस्ट करती थी तो ऋग्वेदा के एक नाड़ी जो स्तुति है उसके एक श्लोक में मेंशन था कि सरस्वती जो रिवर है ये यमुना के बीच में ठीक है यमुना इन द ईस्ट मतलब यमुना इसके ईस्ट में है पूर्व में है एंड सतलुज इसके वेस्ट में है जहाँ पे ये सरस्वती जो है ये फ्लो करती है ठीक है तो इसके साथ साथ महाभारत ठीक है मेंशन किया गया है महाभारत में भी ये बोला गया है कि जो सरस्वती निवर है वो डेजर्ट्स में जाके क्या है जी ये ड्राई अप हो जाती है सूख जाती है एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि कालीबंगन ठीक है बनावली राखीगढ़ी धोलावीरा लोथल ये सभी जो है हमें सरस्वती जो रिवर है उसके जो है हम बोलते हैं कि उसके कोर्स में देखने को मिलती है ठीक है तो सरस्वती एक इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हमने देख ली है अब हम सरस्वती का मैप देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि सरस्वती जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर में जाके मिल जाती है ठीक है सो सरस्वती का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरस्वती जो है वो घग्गर रिवर में जाके जो है वो लुप्त हो जाती है पंजाब के संगरूर जिले में ठीक है जी एंड महाभारत में अगर हमें मेंशन मिला है क्यों मिला है क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जो महाभारत है ठीक है इसको जो है महर्षि वेद व्यास ने जो है वो लिखा था सरस्वती नदी के किनारे पर ही ठीक है तो सरस्वती को हम देखेंगे अभी अपने मैप पे देखिए सरस्वती का जो ड्रेन है ठीक है वो हमारा जो है कहीं ना कहीं पंचकुला से शुरू होता है ठीक है पंचकुला अंबाला से फिर आके जो ये हमारी जी ठीक है ये सरस्वती की नहीं ड्रेन था ये हमने जो ड्रेन अभी देखा है ये मारकंडे का था ठीक है तो दोबारा देखते हैं ये हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है घग्गर ठीक है ये हमारी सरस्वती है शुरू पंचकुला से होगी अंबाला से उसके बाद जो ये है फाइनली जाके पंजाब के संगरूर जिले में जाके जो है ये मीटअप करती है घग्गर को ठीक है एक सिंपल सा मैंने जो आ, हमेशा इसको याद करने के लिए क्या फॉलो करना है ट्रिक जी एस एम ठीक है नाव वट इज जी एस एम टी ठीक है मारकंडे एन टी फॉर द टांगरी ठीक है ये सारी हमारी रिवर्स है शिवालिक से ओरिजिनेट होता है तो क्या याद रखना है जो टांगरी रिवर है है ठीक ये मार्कंडे में मीटअप हो जाएगी ठीक है उसके बाद क्या है ये जो मार्कंडे है ये जाएगी हमारी सरस्वती के अंदर यानी ये सरस्वती जो है ये किस में मीट हो रही है घग्घर में ठीक है तो जी एस एम टी ऐसे ही इस सीक्वेंस में याद रखना है जी एफ एम एंड टी ठीक है जो टांगरी है वो मारकंडे में मिलेगी मारकंडे जो है वो सरस्वती में मिलेगी एंड सरस्वती जो है वो घग्गर रिवर में जाके मिल जाती है कहाँ पे पंजाब में संगरूर जिले में क्लियर हो गया सो so, अगर हमने अभी घग्गर जो सरस्वती रिवर के कोर्स की बात की तो ये फॉलो करती है पंचकुला अंबाला राइट थोड़ा सा कैथल एंड उसके बाद ये फाइनली जो है जाती है हमारे पंजाब के साथ हरियाणा की रिवर क्लियर तो हमने तीन इंपॉर्टेंट रिवर जो है देख ली रहेगा जी एस एम टी सरस्वती एंड सरस्वती मीट्स द रिवर क्लियर है यही हम मैप में भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे नेक्स्ट को, जो है हमारी रिवर हमने देखनी है वो है मारकंडे रिवर ठीक है तो मारकंडे रिवर की तरफ चलते हैं मारकंडे जो रिवर है अगेन ये भी शिवालिक हिल से हिमाचल प्रदेश से जो है निकलने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है ठीक है मारकंडे जो कि घग्घर को ज्वाइन करती है ठीक है यहाँ पे घग्गर है देखिए ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है सरस्वती मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी यही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मिलता है जिसमें आपको कंफ्यूजन अब बिल्कुल नहीं रखनी है क्लियर हमने अभी देखा जी एस एम टी टांगरी मीट्स मारकंडे मारकंडे मीट्स सरस्वती सरस्वती देन मीट्स घग्घर क्लियर सो ऐसे ही कहीं कहीं जो है इस चीज में हमें डाउट देखने को मिलता है सो so वो डाउट आपको अभी नहीं रखना है क्लियर सो so, मारकंडा देवर की हम बात कर रहे थे बिफोर ज्वाइनिंग द घगर इट टू द हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कुरुक्षेत्र एंड द अंबाला ठीक है तो हमने देखा था कि घगर और जो हमारी यमुना रिवर थी ये तो कुरुक्षेत्र से नहीं आ रही बट कुरुक्षेत्र जो है ये हमारी कितनी इंपॉर्टेंट भूमि है रिलीजियस भूमि है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर आती है तो रिवर आती है मारकंडा रिवर का ओल्ड नेम की अगर बात करें तो या अरुणाई जो है कहीं कहीं देखने को मिला मिलता है ठीक है so, सो जो हमारे एक महर्षि ठीक है बोला जाता है कि उन्होंने मारकंडे इसी रिवर के जो है बैंक है यहाँ पे काफी देर तपस्या मेडिटेशन ध्यान की थी ठीक है सो देर फॉर द रिवर वॉज गिवन टू नेम उनको जो है ऑनर करने के लिए ही रिवर को जो है वो मारकंडे नाम दिया गया था ठीक है और अगर आप कभी मारकंडे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो ना काफी धार्मिक प्रवृत्ति रहती है लोगों की वहां माथा टेक के ही जाते हैं लोग ठीके? तो मारकंडे जो है ये काफी हम बोल सकते हैं एक रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जो है ये हमारी रिवर हो जाती है ठीके? तो अब मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मारकंडे है ठीक है मारकंडे का रिवर मैप कौन सा बनता है ठीक है सो तो दो ही डिस्ट्रिक्ट जो है ठीक है जिनमें हमारी मारकंडे जो है वो फ्लो करती है अम्बाला ठीक है शिवालिक हमने देखे थे कि यहाँ पे क्या है शिवालिक हिल शिवालिक हिल की नाहन हिल जो है ठीक है तो शिवालिक हिल्स हिमाचल में भी पड़ती है ठीक है सो नाहन हिल्स से जो है वो ओरिजिनेट होती है हमारी मारकंडे उसके बाद अम्बाला में फ्लो करती है अम्बाला के बाद जो है कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के बाद जो है ये जाके सरस्वती में मिल जाती है जी एस एम टी इसको ऐसे ही याद रखेंगे भगर सरस्वती मारकंडे एंड टांगी ठीक है तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट फोर रिवर्स है क्लियर सो मारकंडे का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन किया था क्या बनेगा कि व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ द मारकंडे रिवर सो व्हाट इज द एंशियंट नेम अरुणा या फिर अरुणाई जो कि वहां पे एक विलेज भी है ठीक है नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपनी रिवर क्लियर तो so अब हमने देखनी है अपनी टांगरी रिवर तो जो टांगनी रिवर की अगर हम बात करते हैं ठीक है सो so ये अपनी जर्नी शुरू करती है काल का हरियाणा एंड कंटिन्यू करती है थ्रू पंचकुला अंबाला जब तक ये घगर को मिल नहीं जाती है ठीक है तो बहुत ही शॉर्ट कोर्स होता है हमारी जो टांगनी रिवर है क्लियर तो ये जो है मीट अगेन सेम फॉलो करती है पर ये पंचकूला से आती है ठीक है एक सेकेंड इसको अभी मैप पे दिखाऊंगी अब टांगरे रिवर की भी अगर हम बात कर लें, है? So, भी हमें काफी टेम्पल और श्राइन देखने को मिलते हैं अलोंग द रिवर बैंक एंड ये भी काफी होली मानी जाती है इसका भी हमें क्या है जल्दी से मैप देख लेना है ठीक है so, तो टांगरे रिवर की अगर बात करें तो क्या हमने जिक्र किया कि ये आती है हमारी पंचकुला

कुरुक्षेत्र ठीक है उसके बाद मारकंडा कहाँ पे मीट करती है कुरुक्षेत्र को ठीक है सिमिलरली जो कुरुक्षेत्र है जो सॉरी मारकंडा ने मीट किया सरस्वती को कुरुक्षेत्र में एंड सरस्वती ने जो है पटियाला संगरूर में जाके जो है पंजाब के घग्गर रिवर को ये मिल गई क्लियर तो घग्गर रिवर का भी हमने देख लिया यहाँ ये जो हमारी फोर इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनमें अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दिस इज वेरी मच एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ठीक है कि कौन सी रिवर किसको मिलती है क्लियर है सो जी एस एम टी याद रखेंगे यमुना देख लिया यमुना की सबसे बड़ी जो हमारी ट्रिब्यूटरी थी कौन सी थी चंबल ठीक है जो हमें पूरे इंडिया में देती है यमुना क्या है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ऑफ द गंगे क्लियर यमुना की लेंथ कितनी है थ्री ट्वेंटी एट घग्घर की लेंथ कितनी है टू नाइनटी टू क्लियर हो गया तो so, ये हमने अपनी इंपॉर्टेंट रिवर्स देख ली है अब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट रिवर की तरफ चलेंगे क्लियर उससे पहले क्या है हम मैप में ना थोड़ा सा जो अपनी रिवर्स है के okay, रिवर्स के साथ ही मैप को भी आगे ले जाते हैं ठीक सो so, एक सेकंड में हम ये कर लेते हैं चेंज क्लियर है तो हमने टांगरी रिवर तक जो है वो देख लिया था अब मैं क्या किया है मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में यहीं पे हमने जो है अपनी रिवर का मैप दोबारा से ऐड कर लिया है क्योंकि हम बार-बार पीछे जाएंगे इतनी देर में जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है ठीक है तो वो कंफ्यूजन जो है हमें हर तरह से जो है अवॉइड करते हुए चलनी है ठीक है तो अब हम जो है अपनी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हम बोल सकते हैं सदन रीजन ऑफ हरियाणा में जो है ओरिजिनेट करती हैं ठीक है ठीके? उनको देखेंगे उनके कोर्स के साथ अगेन मैप में जो है हमें वो रिवर्स देख के हुए चलनी है उनका कोर्स देखना है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं सबसे पहले है साहिबी रिवर ठीक है जिसको सोम रिवर भी बोला गया है ठीक है तो सोम रिवर ठीक है कहीं कहीं इसको बोला जाता है ये जो है अरावली रेंज ठीक है तो ये जो है ये अरावली रेंज में सिस्टम में आज जो है ठीक है थोड़ी सी हमें परेशानी देखने को मिल रही है उसी के कारण हमें जो है बार बार अपनी जो वीडियो है ठीक है उसमें आपको थोड़ी सी मे बी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े राइट ठीक है तो हम साहिबी रिवर की बात कर रहे थे ठीक है जिसको हो, कहीं कहीं सोम रिवर भी बोला जाता है सोम पथराला एंड बुढ़ी जो है ये क्या है ये ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ द यमुना क्लियर सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज ठीक है तो ये अरावली रेंज में जो है जी ओरिजिनेट होती है क्लियर एंड फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बिफोर मीटिंग द यमुना रिवर द रिवर इज इंपॉर्टेंट ठीक है कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये रिवर्स हमारी एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई राइट तो हम मैप की तरफ ही चलते हैं मैप की तरह हमें ये देखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर बनती है तो ये जो रिवर है साहिबी रिवर ठीक है इसके कोर्स की अगर हम बात करें तो ये एक रिग्जैक्ट पैटर्न ठीक है जैसे हम बोलते हैं मैं रिवर है उसका जो है ये कोर्स को फॉलो करती है ठीक है सो तो ये मैंडर करती है तो कभी ये जैसे ये हरियाणा में एंटर करेगी अगेन ये राजस्थान में एंटर कर जाएगी ऐसे ही रेवाड़ी में जाएगी फिर ये गुरुग्राम में आ जाएगी क्लियर तो इसका कोर्स हम जो है अभी साथ साथ देख लेते हैं सो साहिबी नदी ठीक है ये जो है मैप में हमें साहिबी नदी जो है ये शो हो रही है ठीक है पर अगर हम इसके एक्यूरेट कोर्स की बात करें देखिए साहिबी जो है ठीक है ये क्या है रवाड़ी रेवाड़ी के बाद फिर थोड़ी सी ये राजस्थान में गई ठीक है फिर ये गुरुग्राम में गई ठीक है फिर ये झज्जर में गई तीन ही डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी गुरुग्राम और झज्जर ठीक है और उसके बाद क्या है दिल्ली में जाके इसको कहीं कहीं नसबगढ़ ड्रेन भी जो है बोलते हैं साहिबी को ही ठीक है दिल्ली में नसबगढ़ ड्रेन बोलते हैं ये दिल्ली में जाके नजबगढ़ जो नाम का लेक है उसमें जाके मिल जाती है ठीक है तो तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करती है साहिबी ठीक है कौन कौन से रेवाड़ी एंड झज्जर ठीक है एंड ये दिखा पैटर्न को फॉलो करती है कहीं कहीं ये काफी इसका कोर्स जो है आपको ऐसे देखने को मिलता है तो so वंस वो क्या है वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है दूसरी बार वो क्या है राजस्थान ऐसे ही वो कभी रेवाड़ी में है फिर फिर गुरुग्राम में है ठीक है तो ऐसे इसका काफी मैं कोर्स जो है वो देखने को मिलता है और नजफगढ़ ट्रेन अगर बोला जाए ठीक है यहाँ पे मैप पे भी मेंशन है अगर आप पीडीएफ देखेंगे राइट आपको ये अटैच मिल जाएगी हमारे पोर्टल पे पीडीएफ तो नजब ड्रेन भी जो है बोला जाता है साहिबी को कहीं कहीं क्लियर तो ये फाइनली जो है ड्रेन करती है नजफगढ़ लेक में इन द डेली क्लियर है साहिबी रिवर हो गई अब हमने अपनी नेक्स्ट जो रिवर देखनी है वो एक हमने देखनी है कृष्णावती एंड एक देखनी है है हमने इंदौरी रिवर ठीक तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले सो so, कृष्णावती रिवर की अगर बात करें ठीक है तो ये अगेन ये भी अरावली में ही ओरिजिनेट करती है ठीक है अब ये जो ओरिजिनेट करती है ठीक है कृष्णावती ठीक है सो so, ये अरावली हिल्स का क्या है ये डाइसेक्टेड हमें रेंजेस में मिलती है ठीक है ऐसे ही दुकान जो हमारी रिवर आएगी वो पर्टिकुलरली जो उसको जोड़ा जाता है दो सी पीक्स के साथ जोड़ा जाता है जो कि अरावली की सबसे बड़ी पीक थी ठीक है सो so, कृष्णावती रिवर की अगर बात करें तो अगेन अरावली से ओरिजिनेट करेगी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में ही ये सिर्फ है जो फ्लो करती है ठीक है बिफोर मर्जिंग विद द साहिबी रिवर द कृष्णावती रिवर इज सीजनल यूजली ड्राई अप इन द समर ठीक है एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर ठीक है तो क्या है ये जो है एक सीजनल रिवर है और गर्मियों में ये सूख जाती है फिर बारिश आएगा तो ये फिर बहने लग जाती है ठीक है तो कृष्णावती रिवर को भी अब हम मैप पे देख लेते हैं तो ये है हमारी कृष्णावती ठीक है जो महेंद्रगढ़ जो जिला है यहीं पे फ्लो करती है एंड कृष्ण अगर आवली से आती हुई फिर ये कृष्णावती जो है यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा रिवर्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिलता है तो कुछ जियोग्राफर जो मानते हैं कि ये सिर्फ महेंद्रगढ़ तक ही जाती है वहां पे ड्राइव हो जाती है बट कहीं कहीं इसको बोला गया है ये साहिबी तक जो है जाके उसमें मीटअप कर लेती है ठीक है हम इस चीज को मान के चलते हैं कि जो ये हमारी कृष्णावती रिवर है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है ठीक है जी नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है दोहान रिवर ठीक है ये रही है, हमारी छोटी सी छोटी सी रिवर है क्लियर सो ये, so, ये जो है हमने अपनी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स को जो है वो मैप के साथ साथ देख लिया है ठीक है अभी हमारी सिर्फ एक और मैप की रिवर है जो की है इंदौरी रिवर तो इंदौरी रिवर जो है हमारी वो जो है हमारी साहिबी की एक जो है 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 वो निकल के आती ठीक सो ये मेवात हिल्स ठीक है इंदौरी ठीक है इंदौरी जो रिवर है हमारी ये मेवात हिल्स ये भी जो है हमारी अरावली हिल्स का ही पार्ट है वहां से ओरिजिनेट करती है क्लियर है उसके बाद नू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ठीक है वहां पे एक ओल्ड फोर्ट है ओल्ड इंदौरी फोर्ट है जहां से इस रिवर को इंदौरी नाम मिलता है ठीक है तो ये जो है यहाँ से फ्लो करती हुई गुरुग्राम में जाती है और साहिबी में मिल जाती है ठीक है सो तो साहिबी जो है का एक जो ट्रिब्यूटरी है वो है इंदौरी रिवर जो की अनदर इम्पोर्टेंट रिवर है ऑफ द हरियाणा ठीक है तो इसी तरह हमने जो सारी रिवर है उनके कोर्स देख लिए है इनके डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे लिए देखने इंपॉर्टेंट है, है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है राइट तो इसीलिए हमने क्या करना है मैप आप आपने साथ में ओपन कर लेना है रिवर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ठीक है अगर आपको रिवर्स रिवाइज करनी है सो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या है एक मैप ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ये है कि आप उसमें हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज जरूर रखिए ठीक है थीके? जैसे आपका जो मैप है हमने स्टार्टिंग में अपनी पीपीटी में ऐड किया था ठीक है उस पर ड्रॉ करते जाइए ठीक है आपको कभी रिवर्स के कोर्स में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी ठीक है वहीं पे उनका जो ओरिजिन है ओरिजिन मार्क कर दीजिए ठीक है कि अगर यमुनानगर में से एंटर हो रही है यमुना ठीक है उसके बाद हसनपुर पलवर से जो एग्जिट हो रही है अलीगढ़ में जा रही है ठीक है वहीं पे उसके पॉइंट्स मार्क कर दी जाइए तो इससे क्या है आपकी रिविजन ईजी हो जाएगी एक बार आपकी एक घंटे मैक्सिमम दो घंटे की ये प्रैक्टिस है बट उसके बाद आपको रिवर्स में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी ठीक है और फिर आप बोलेंगे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आए क्योंकि क्या होता है हम चीजों को सिर्फ रटते हैं अगर हम सिर्फ रटेंगे कहीं ना कहीं हम अपनी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज नहीं करेंगे तो वो हमें क्या है बेनिफिट नहीं देगा सो so, मैप के थ्रू जो है रिवर्स को आप बड़े ही ईजिली वे में याद कर सकते हैं राइट तो ये हमने अपनी रिवर जो है इन सब के बारे में देख लिया है दोहान रिवर के बारे में मैंने दिखा दिया था आपको राइट सो so, ये जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाती है दुहान रिवर क्लियर सो so, उसके बाद ये कुछ हमारे बैरिजेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट बैरिजेज हैं जैसे कि हथनी कुंड बैरिज पल्ला बैरेज ठीक है तो ये जो है यमुना नगर में है एंड फरीदाबाद में है कौन कौन से रिवर्स के ऊपर बनता है यमुना रिवर के ऊपर ठीक है सो so, ऐसे ही एक और जो है हमारे जो सारे बैरिजेज हैं इनके ऊपर भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यमुना रिवर के ऊपर हरियाणा के अंदर हथनी बैरेज हथनी बैरेज बोलते हैं

और एक हमारा एक इंपॉर्टेंट बैरेज हम देख लेते हैं दैट इज द ओटू बैरेज जो है घग्गर रिवर के ऊपर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है so, है ठीक सो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बैरेजेस हैं वो भी याद रखने हैं फिर है अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बट जो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन दी है बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको अपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे रिटेन करने ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दीज रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द हरियाणा ठीक है यमुना घग्गर हाकरा मारकंडा या फिर सरस्वती वट इज आंसर आंसर इज ए यमुना जिसका लेंथ कितनी है 328 किलोमीटर ठीक है अगर घग्गर की बात करें तो इसकी है 292 किलोमीटर ठीक है सो इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड विच आर दीज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवालिक हिल इन द हिमाचल प्रदेश राइट एंड क्लोज थ्रू द हरियाणा एंड इवेंचुअली इन द राजस्थान ठीक है तो ऐसी कौन सी रिवर है जो हिमाचल के शिवालिक में से आती है ठीक है उसके बाद हरियाणा में भी बहती है और उसके बाद जो है इवेंचुअली राजस्थान में जाके जो ये सूख जाती है तो यमुना घग्घर हाकड़ा मारकंडा या फिर सरस्वती ठीक है सो तो यमुना तो है हमने देखा कि ये तो यूपी में एंटर करके राजस्थान वाली साइड जा ही नहीं रही ठीक है तो उसके बाद हमने क्या देखा था जी एस एम में मिल गई मारकंडे सरस्वती में मिल गई तो कौन सी बची मेजर घाघरा रिवर ठीक है तो सरस्वती और मारकंडे भी ऑप्शन नहीं होगा सो आंसर क्या है घग्गर रिवर ठीक है घग्घर के बारे में हमने देखा था हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके ये ड्राइव हो जाती है इवेंचुअली इन दान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है

Which of these river is विच ऑफ दिस रिवर इज अजनल रिवर दैट फ्लो ओनली tributary of the Ghaggar-Hakra river. ठीक है तो कौन सी वो river है जो tributary है Ghaggar-Hakra की और फिर बारिशों के समय में ही बहती है सो तो सोम बूढ़ी मारकंडा या फिर all of the above. ठीक है तो सोम बूढ़ी एंड पथराला जो है ये तो हमारी किसकी tributaries हो गई यमुना की जो कि हरियाणा में बहती है ठीक है सो तो आंसर क्या हो गया मारकंडा मारकंडा को कहीं कहीं घग्गर जो रिवर है ठीक है घगर हाकरा या घगर आए तो सेम है, मैंने बताया था कि हाकरा है, है राजस्थान में ऑफ द घगर रिवर क्लियर है, इसको कहीं कहीं जाता है सो ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हमें थोड़ा सा माइंड में के याद रखना ठीक है बट मारकंडे को जो है ओरिजिनली हम देखते हैं कि वो सरस्वती में मीटअप करती है बट क्योंकि सरस्वती जो है एक ड्राइड अप रिवर है काफी जो है ये एक डाइडअप रिवर है एंशियड रिवर है तो उस हिसाब से मारकंडे को जो है अब क्या माना जाता है ट्रिब्यूटरी ऑफ द खगर रिवर क्लियर इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन द यमुना रिवर इन द हरियाणा ठीक है तो बैरिजेज मैंने अभी दिखा जैसे हथनी कुंड बैरिज हो गया तेजावाल बैरिज हो गया ठीक है ये हमने देखे थे यमुना नगर में हमें जो देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये दोनों यमुना रिवर्स के ऊपर थे तो इनमें से पूछा गया है कौन सा जो बैरेज़ है जो कौन सा डैम है वो हमें यमुना रिवर में देखने को मिलता है इन हरियाणा राइट अग्निड तेजावाल ओखला या फिर ऑल ऑफ दी अब ठीक है सो so क्वेश्चन में अगर इन हरियाणा नहीं रहेगा ठीक है क्वेश्चन में है थोड़ी सी मिस्टेक तो अगर हम क्वेश्चन में से इन हरियाणा निकाल दें तो ऑल ऑफ आर द बैरिज ऑन द यमुना रिवर क्योंकि जो ओखला बैरेज है ये दिल्ली में है. ये दिल्ली में जो है बनाया गया है ओखला बैरेज क्लियर और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यमुना के ऊपर दो बैरेज हैं, बैरेज हैं एंड क्लियर सो ये जो है हमें याद रखना क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो so क्वेश्चन है विच फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द शिवालिक इनमें से कौन सी वो रिवर है जो कि शिवालिक हिल्स में ओरिजिनेट नहीं होती है मारकंडे यमुना घग्गर एंड दोहान ठीक है तो आंसर ठीक है कहीं ना कहीं आज के क्वेश्चंस जो है ठीक है वो आपकी वो मेंटल को भी चेक कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन में है मिस्टेक्स बट हम अगर सेशन को आपने अटेंटिवली निकाला है तो आपको अभी तक गलती पता चल गई होगी ठीक है तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा बी एंड डी यमुना कहाँ पे ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में बंदरपू जो है ग्लेशियर ग्लेशियर में राइट सो तो वहां पे ओरिजिनेट होती है ठीक है एंड दोहान जो है वो हमारी कहाँ पे दोषी पीक जो है अरावली में वहां पे हमें मिलती है ठीक है कहीं कहीं जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है यमुना तो हमारी लोअर जो हिमालय में है ठीक है शिवालिक का ही पार्ट है क्लियर तो वन एंड सेम थिंग है बट मेजर जो आंसर हमें याद रखना है दैट इज द दोहान हिल्स दोहान रिवर जो कि दूसरी पीक से ओरिजिन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेवन है अरेंज दीज रिवर्स ऑफ हरियाणा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ठीक है तो so ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हमें चलना है ठीक है माइंड में रखिए ईस्ट टू वेस्ट नहीं वेस्ट टू ईस्ट चलना है कि इन रिवर्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए घग्गर सरस्वती मारकंडे एंड यमुना ठीक है सो वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर वन वन थ्री टू फोर या फिर फोर थ्री टू वन ठीक है तो हम सबको ये तो पता है ना एटलीस्ट कि घग्गर सबसे हमारी क्या है वेस्टर्न मोस्ट रिवर है ठीक है एंड सबसे ईस्टर्न क्या है यमुना सो आंसर क्या रहेगा इधर ए और सी ठीक है तो हमने क्या देखा था कि घग्गर में जाके कौन सी मिलेगी सरस्वती ठीक है सरस्वती में कौन सी मिलेगी मारकंडी ठीक है सो so, ये बिल्कुल सही अरेंज है वन टू थ्री फोर ये हमारा करेक्ट आंसर है घग्घर आती है हमारी उसमें सरस्वती मिलती है उसमें मारकंडे मिलती है अगर बीच में टांगड़ी होता ठीक है तो टांगड़ी यहाँ पे मिलती क्लियर एंड फाइनली इधर से हमारी जो है वो यमुना क्लियर है 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 तो इसी तरह आपको जो जो अपना मैप जो है, इनको अपने माइंड में क्लियर रखना है क्लियर है जी नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट्थ देखते हैं हम अपना जी सो एथ क्वेश्चन है अंडर विच डिस्ट्रिक्ट द एंट्रेंस ऑफ यमुना रिवर ठीक है इन द हरियाणा तो हरियाणा में कौन से जिले से जो है वो यमुना एंटर करती है अंबाला यमुनानगर करनाल या फिर सोनीपत तो, तो यमुनानगर के कालेसर से एंटर करती है एग्जिट करती है पलवल हसनपुर से ठीक है सो तो ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो घग्गर रिवर है उसने कहाँ से एंटर किया था पंचकुला में से पिंजौर में से ठीक है कुरुक्षेत्र में से सॉरी तो कुरुक्षेत्र में से कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर जाती है मारकंडे मारकंडे टांगड़ी ठीक है

फास्ट ट्रैक चलाइए विद मन यू आई एस एच सी एस प्रिलियम फोकस बैच राइट सो so, इस जो बैच है इसकी जो फीस है ठीक है आपको थर्टी फाइव थाउजेंड मिल जाएगी एंड जो डिस्काउंटेड प्राइस है या अगर आप जो है इसको जल्दी से अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो आ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो जाकर इसे अवेल कर सकते हैं एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट राइट सो दिस इज इट फॉर द टुडे सेशन आई होप यू फाइंड इट गुड अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए अभिमन्यु के साथ